हमारे साथ हैं आज हाई राइडर के कस्टमर्स जिन्होंने अभी डिलीवरी ली है, सो जानते हैं इनका फीडबैक कैसे। सो नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सो अपना नेम है, एक बार प्रोफेशन इंट्रोड्यूस कर दो आप। मेरा नाम राजेश चोपड़ा है और मैं रियल एस्टेट बिजनेस से हूँ। एंड मैम आप? मेरा नाम डिम्पल चोपड़ा है। सो सर, जैसे आपके पास अभी हाई राइडर आपने परचेज करी, इससे पहले और कौन कौन सी कार्स आपके पास? इससे पहले मेरे पास मर्क है, टोयोटा है, लेक्सस है, और टोयोटा ब्रांड जो है वो उससे हमारा एक्सपीरियंस शुरू से अच्छा ही रहा है जी। और ये लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी आई थी इसलिए हमने ज्यादा एक्साइटमेंट है, हम इस कार को क्रेटा को सेल करके इसकी जगह हाई राइडर ले आए अपने यहाँ। सो जैसे अब आपने ये परचेज करी तो पहले आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली या फिर डायरेक्टली बुक? नहीं, डायरेक्टली बुक करा, मतलब देखते बुक करा दे। इतना ट्रस्ट है आपको इस ब्रांड के ऊपर? टोयोटा ब्रांड पर है, लग्जरी ब्रांड है बिल्कुल। सो ये कौन सा ट्रिम है, कौन सा वेरिएंट है? ये वी मॉडल है, टॉप मॉडल है। हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड? हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड। फुल हाइब्रिड। सो फुल हाइब्रिड ही क्यों लिया, नॉट नॉन हाइब्रिड? नियो ड्राइव क्यों नहीं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और सेल्फ चार्जिंग भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है और साइलेंट है। सो आपको नहीं लगा कि एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं? टेस्ट ड्राइव लेने आया था, मेरे फ्रेंड के साथ आया था, उसने टेस्ट ड्राइव ली, मेरे को जरूरत ही नहीं लगी, मैं पीछे बैठा था, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है। सो आपने मतलब इन एंड आउट देखा है, आपको फीचर्स कौन से अच्छे लगे इस कार के? फीचर्स की बात तो है तो इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ही हैं गाड़ी के अंदर, जो अभी रिसेंटली इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बिल्कुल उनके सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए। हेड्स अप डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले है, कैमरा अच्छा है और स्पेस अच्छा है, सीट्स वाइड्स हैं। तो आपने इससे पहले और कौन कौन सी कार्स देखी परचेज करने से पहले? जैसे इसकी राइवल हो गई क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा है जो कि मतलब सिमिलर ही है कार दोनों, तो व्हाई नॉट ग्रैंड विटारा? टोयोटा बेटर है, आफ्टर सेल सर्विस बेटर। एंड व्हाट अबाउट क्रेटा, टाइगून, कुशाक, सेल्टोस? सब देखी हुई है गाड़ियां मैंने। अच्छा। हमने यूज की हुई है। सबसे नंबर वन आफ्टर सेल सर्विस मेंटेनेंस वाइज टोयोटा इज नंबर वन। क्रेटा है आपके पास? नहीं, क्रेटा भी है, टोयोटा भी है, ये भी है, इनोवा भी, लेक्सस भी बुक करा रखी है हमने अभी। कौन सी लेक्सस? वो एनएक्स। ओके। सो आपको नहीं लगा कि क्रेटा ले लेते हैं या फिर सेल्टोस? नहीं, नो। व्हाई? सो रीजन? क्रेटा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी इसके अंदर, सेल्फ चार्जिंग कार है। ओके। सो मतलब आपको ये था कि हाइब्रिड कार लेनी है, फुल हाइब्रिड कार। लेक्सस में भी फुल मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो भी हाइब्रिड है इसलिए उसको लिया है। टोयोटा फैन हो आप बेसिकली, मतलब टोयोटा का लेक्सस डिवीजन भी फैन बन गए हैं। पहले 2013-11-12 में ली थी टोयोटा करोला, तो उसके बाद से छोड़ दी थी। अच्छा। अब फिर टोयोटा के फैन हो गए। छोड़ के दी बीच में? बस ऐसे ही, नहीं कभी हांडा ले ली, मर्क आ गई, ये आ गई, वो आ गई, चलते रहे। तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको क्या मिला मतलब शोरूम एंड से? ऑन रोड तो अभी चेक नहीं किया। अच्छा। वैसे 1899 समथिंग इनका एक्स शोरूम प्राइस है। ओके। अब ये तो इन पर डिपेंड करता है कि कितना बनाते हैं बिल। ओके। सो आपकी जो ड्राइव रहती है मोस्टली कहाँ पे रहती है, मतलब सिटी में, हाईवे में? सिटी ड्राइव के लिए। तो ये आपने पर्सनल यूज के लिए? बेटे के लिए लिए। बेटे के लिए? बेटे की ड्राइव क्या रहती है? बेटे की कॉलेज। कॉलेज के? कॉलेज। सो उसके लिए अच्छी है, माइलेज भी बेटर है इसका। एक्चुअली उसका आज बर्थडे है तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि इसका कि आज ही डिलीवरी है। सो विश हिम अ हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय एज़ वेल। सो अच्छा, आपने ग्रे कलर लिया, देयर आर मेनी कलर ऑप्शंस इसमें, जो ग्रैंड विटारा में भी नहीं, इवन ब्लैक कलर भी है। फर्स्ट चॉइस तुम्हारी ब्लैक थी? ब्लैक थी, पर ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था हमारा, ये हमने एक्चुअल बुक ही ग्रे कराया था। ओके। नॉट व्हाइट कलर? नो नो। व्हाई? सो व्हाइट कलर क्यों नहीं? बस व्हाइट पिछले 25 साल से 20 साल से व्हाइट ही चला रहे थे। ओके। तीसरा सबसे ज्यादा इसका जो मेरे को बेटर फीचर लगा वो इसका लगा, इसकी सीट्स वाइड है और कंफर्टेबल है। राइट, फ्रंट वाली स्पेशली। हाँ। रियर में हेडरूम थोड़ा सा? रियर में हेडरूम में मेरे को प्रॉब्लम लगी थोड़ी सी, पर मैं फिर भी मैंने इसको पसंद किया क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। राइट। सो मतलब आपको जैसे आपने अपने बेटे के लिए लिया, तो जैसे कॉलेज गोइंग है तो उसके लिए बहुत गिमी किया, मतलब बहुत सारे फीचर्स हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम, देन एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब सारे फीचर्स यूज कर ही रहे ऑलरेडी हमारे पास, सारी जो गाड़ियां हैं उनमें ऑलरेडी हैं ये सब। राइट। अभी इनोवा भी चेंज करोगे तो लेक्सस भी हाइब्रिड बुक करी है मैंने। यस, वो भी हाइब्रिड।
सो अच्छा आपको क्या लगा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए गाड़ी में? डोर्स हल्के हैं, डोर्स हल्के हैं, हेड स्पेस पीछे कम है, बूट स्पेस क्योंकि वो बूट स्पेस में भी बैटरीज की वजह है, पर वो चलो कोऑपरेट कर सकता है। तो आपको दो चीजें ये लगी कि जिसके पास एक कार है उसके लिए वो बूट स्पेस की कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट, जिसका मल्टीपल कार्स है तो उसको कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल। सो अच्छा अब आपने ये परचेज करी, आपकी नेक्स्ट कार कौन सी रहेगी अपार्ट फ्रॉम लेक्सस? इसके बाद अगर आप प्लान करोगे परचेज करने का, GLS GLS लेंगे या इनकी टोयोटा की जो जो है ना वेलफायर, जो वेलफायर है उसको भी देख रहे हैं कि शायद इनोवा की बजाय उसको, वो बिजनेस क्लास कार होगी, इनोवा की जगह उसको ले, राइट। GLS तो फिर डिफरेंट सेगमेंट हो, तो 7 सीटर जो प्रॉपर लग्जरी SUV। सो अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके फीडबैक जान के, एंड जो हमारे व्यूअर्स भी हैं दे विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम यू, कि वो जो प्लान करे परचेज करने का वो कन्फ्यूज है। आपका जैसे टोयोटा के साथ बहुत टाइम से एक्सपीरियंस रहा है, सो हाउ इज द सर्विस एक्सपीरियंस की, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट ठीक है, टोयोटा डिफेक्टलेस कार है। थोड़ा एलैबोरेट करो, इसको डिफेक्टलेस कार है भाई, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम्स आती नहीं है अगर देखा जाए गाड़ी के अंदर, right। अभी जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमने जैसे गाड़ी पहले करोला रखी थी, ये टोयोटा करोला, वो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो शोरूम से ही आप करवाते हो सारी सर्विस वगैरह? हाँ। एंड व्हाट अबाउट इंश्योरेंस? इंश्योरेंस आप शोरूम से करवाते हो या फिर अपने आप खुद? वैसे तो हम बाहर से करवाते हैं, इस बार इन्होंने कहा जी गाड़ी तब देंगे आपको शोरूम पहले इंश्योरेंस कराओ। एंड कुछ एसेसरीज परचेज करने वाले हो आप इसके साथ? सोच रहे हैं अभी। ओके, सो अभी तो हमने जस्ट आपका एक फीडबैक लिया कि अपनी डिलीवरी ली है, जब आप इसे लॉन्ग टर्म ड्राइव करोगे तो आपकी पूरी फैमिली के साथ हम एक फीडबैक लेंगे कि कैसी आपकी ड्राइव रही लॉन्ग टर्म में, कैसे सच्चाई तो यही है, तो जब गाड़ी चलाएंगे तब उसका फीडबैक प्रॉपर मिलेगा। अभी जो जितना फीडबैक है, जो हमने भी लोगों से सुना और देखा, उसके हिसाब से आपको बता दिया। जैसे आपने ये ली तो आपने एक बार भी कंसीडर नहीं करा कि यार एक बार सेल्टोस देख लेते हैं या फिर? देखो गाड़ियाँ हमने सारी देखी हुई हैं, सब चलाई हुई हैं, बात ये थी हम ये गाड़ी जब लॉन्च हुई देखने गए ना, तो उसी समय देखते मेरे को गाड़ी पसंद आ गई, मैंने उसी समय गाड़ी बुक करा। ओके, सो जैसे टोयोटा में इसलिए नहीं सोचना पड़ा कि टोयोटा के अंदर क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, डोर्स की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा इनको वेट उसका बढ़ाना चाहिए, राइट। आपने डोर का बोला, इन बूट स्पेस का बोला, बूट स्पेस, राइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका जो फीडबैक है दे विल बी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर व्यूअर्स जो देख रहे हैं।